दलता वाले पख्तून याद आवे आज हम वापस आ गए बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पठान की टिकटॉक कंपाइलेशन। और तुम बताओ, जब तुमने लास्ट टाइम देखा था कैसी लगी थी? बहुत अच्छी। मतलब इतनी सारी चीजें पता चले कि पठान कितने पावरफुल होते हैं, वो कितने रॉयल होते हैं, उनको उनके अंदर डर नहीं होता है, वो ब्रेव होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें सीरियसली। और उसको देखकर ना मतलब कि शॉकिंग भी था कि वो एक पठान एक तरफ और बाकी लोग एक तरफ, तो कैसे पठान एक पठान सब पे भारी है। सीरियसली बहुत ही कमाल की थी। बाकी देखते हैं कि ये वाली कंपाइलेशन कैसे होने वाली है। फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम इज्जतदार लोग हैं और उसको जिरगे में बुला के क्यों खवार करें? मुझे ये बात अच्छी नहीं लगेगी। और मुझे तुम सारे अच्छे नहीं लग रहे। ओ सबकी शक्लें मुर्दार खोर जैसी लग रही। मुर्दार खोर मतलब? बहुत गलत बात कर दी है तुमने आज। बस बस, एक औरत की इज्जत का दर्श दे रहा है और दूसरा बदला लेने के लिए मुंह से आग निकाल रहा है। अपनी बातें मनवाने के लिए आंखें दिखा रहे हो मुझे। बच्चा नहीं हूं मैं। ओ। बच्चा नहीं हूं, सब जानता हूं। तुम जैसों को मैंने सारी जिंदगी बास्केट की जेब बनाई, शलवार की जेब में रखा। ओ भाई, क्या एटीट्यूड है भाई अंकल का। तुम्हें मैंने अपनी बास्केट की जेब शलवार की जेब में रखा। हमारे खून में दो चीज का कमी है। किस चीज का? माफी और रहम। भाई माफी और रहम, क्या बात है। सीरियसली अगर तुम सच्चे पठान हो तो मेरी नफरत को समझो। पठान को तो सिर्फ दो ही बातें आती है, हद से ज्यादा प्यार और बेहद नफरत। क्या बात है, हद से ज्यादा प्यार और बेहद नफरत। तो चदल तो ये जो पख्तून दे रहे ना, पख्तून से कर क्या बोल रहे? ये पठानी में बोल रहे, हमें समझ नहीं आ रहा। प्लीज हमें बताइएगा। पख्ताना दिल तकड़ा दी और खुदा तमाम टोल पाकिस्तानी ने तो पे वर्जा दल तो वाले पख्तून याद आवे। आतंकवादी कहती है सरकार हमें। अरे वो तो यही है ना, हम बागी हैं, हुकूमत के सताए हुए लोग हैं। हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो, मगर अगर ये जनरल ना आईन मानते हैं, ना इस्लाम मानते हैं, ना रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, अगर पख्तून और बलोच उनके छमड़े निकालेंगे। अगर और पहले अपनी वही वहाँ की कैप है। सुंदर है। पठान इन अमेरिका। ओ भाई, दूसरे देश में भी नहीं डर रहा है।
मेरे को सामने मोची बैठा हुआ है, उससे फटाफट मेरे जूते पॉलिश करा के ले आओ, 100 रुपए रख लेना इसमें। रुक, तेरे को बता दे, मेरी गाड़ी साफ कर, 500 रुपए। क्या एटीट्यूड है भाई, वो देखना तुम फोटो सा। इब्लीस ने हव्वा आदम को सजदा क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसका ख्याल था कि वो आ गए, बच्चा छोटा कैसा है। शैतान के पास यही एक दलील, और इन शैतान के बच्चों के पास ऐसी ऐसी दलीलें जिनको सुनकर तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ जाए। भाई साहब, इतना छोटा सा बच्चा है वो, कैसे देख रहे हैं। लड़कियां कहाँ की ज्यादा प्यारी हैं, लाहौर की या कोयटा की? जी लड़कियों को मैं ज्यादा नहीं देखता, क्योंकि लड़कियों के लिए मैं आया नहीं हूँ, मैं लाहौर के लिए आया। लाहौर में लड़कियां भी तो बसती हैं ना? नहीं, मैं तो फिलहाल आपकी तरफ भी नहीं देख रहा। क्या बंदा यार। मैं केपीके से दहशत गर्दों को बुलाऊंगा, मैं केपीके से, आपको पता है दहशत गर्द छुपे में। वाओ, ये मतलब फॉरेनर आया था पठानों से ऐसे मिल रहा था। वाओ, उनके साथ ही रहते थे, और कितना मतलब बड़ा दिल होता है यार पठानों का। उसको आउटसाइडर ट्रीट ही नहीं होने दिया। बहुत अच्छा, इसमें हमें इतनी चीजें पता चली है पठान के बारे में कि कैसे कोई बाहर से भी आता था, वो कितने फैमिलियर है, कितना उसको ऐसे लगाता है कि तेरी जगह है टाइप, मतलब घर वाली वाइब। बहुत अच्छा, मतलब सीरियसली। और मतलब कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा वो था कि वो मतलब कि वो आदमी बिल्कुल बाहर का था है ना, फिर भी उनको मतलब कि इतना खाना उनका उधर ही बनवा लिया, सब कुछ उनका उधर कर रहे, तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कितने अच्छे से उनको ट्रीट कर रहे हैं। और मतलब कि वो जो छोटे बच्चे की थी भाई, वो कितनी कमाल की एक्टिंग कर रहा करके, हाँ वो बहुत ही कमाल की एक्टिंग कर रहा था। और मतलब कि बाकी क्लिप्स भी थी वो भी बहुत कमाल की थी, वो अमेरिका में जैसे दिखाया गया भाई, पठान वहाँ पे भी नहीं डरते, अमेरिका हो जाए कहीं, और हम लोगों को ये पता लगा कि या तो पठान बहुत ज़्यादा नफरत करेगा, बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, दो ही चीज़ें कर सकते हैं, हम तो यही चाहेंगे हमसे प्यार। हाँ सीरियसली, बहुत ही कमाल की वीडियो थी। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाय।